तो दोस्तों आप सभी को बताया कि आपके एग्जाम अभी बहुत नज़दीक आ चुके हैं, आपके पास बहुत कम समय बचा है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिन्हें आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं और जो काफ़ी छोटे भी है लेकिन काफ़ी मोस्ट टाइम पे है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, कुछ भी आप तैयारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ आपका पेपर जो है 100% अच्छा जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके सिलेबस कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी सिंपल है लेकिन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर से 2 से 3 अंक का क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। 2 अंक कब बनेगा, 3 अंक कब बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, सबसे पहले जो आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन जो करके जाना है वो जाना है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, 2 अभाज्य गुणनखंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हमने आपके सामने रखे हैं, आप इन्हें बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताऊँ अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो कोई भी आपको संख्या दे दी, मान लीजिए कि आपको मैं दे दूँ संख्या, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे हमारा ब्रश बड़ा कर लेते, तो यहाँ पर आपको संख्या दे दी मैंने 8 और मैंने आपको कहा कि भाई इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो आपको 8 को तोड़ना है कि जो आपने तोड़ी हुई संख्या है, जैसे मैंने तोड़ दिया 2, फिर वापस 2, फिर वापस 2। ठीक है, और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, मैं घर में बैठा हूँ तो थोड़ी सी नॉइज़ तो आएगी। तो देखिए 2 4 4 2 8, ठीक है, तो ये है इसका अभाज्य गुणनखंड 8 का। तो उसी प्रकार से आपको जो आप 10वीं में है तो आपको थोड़ी सी कठिन आएगी, मैंने तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको 8 बताया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है 140 और 5005, तो आपको जो इनको कर कर चले जाना है, ये आपके लिए वरदान साबित हो गया कल के एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। ठीक है, और ये आपको संख्या दी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर रूट 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो एक ट्रिक याद रखिए, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, अगर आप ये ट्रिक लिख के आएंगे तो आपको मैं कहता हूँ अंक 100% निकटेगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1.2 ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन दिया है उसका उल्टा लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या परिमेय है। ठीक है, तो उत्तर डालिए और लिखिए कि दी गई संख्या परिमेय, हम मान लेते हैं कि दी गई संख्या परिमेय है और आपको संख्या लिख देनी है। ठीक है, बंदे ने क्या किया, हम इसके विपरीत मान लेते हैं, मतलब आपको जो भी संख्या दी हुई है आपको उसका उल्टा मान लेना है। जैसे इसने कहा कि भाई सिद्ध करो संख्या अपरिमेय है, तो आपको क्वेश्चन में इसे मान लेना है कि भाई ये परिमेय है, और अगर परिमेय है तो आपको पता है परिमेय है तो भाई ये 1/b के फॉर्म में होंगी। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी अगर संख्या अगर परिमेय है, ठीक है, कोई भी संख्या अगर परिमेय है तो वो 1/2 के रूप में लिखी जाती है, मतलब वो बटे के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, 1/2, 2/3, ये जितनी भी बटे वाली संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको बस क्वेश्चन में 2 टर्म याद रखेंगे, ट्रिक याद रखिए दोस्तों आप जी, मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ फिर आपको आराम से समझाता हूँ। ठीक है, ये सब भी आप सब मिटा देते हैं और देखिए आपको आराम से समझा दें। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, क्वेश्चन एग्जाम में आने के बाद में आपको लिखना है कि माना भाई ये जो संख्या आपने दी है वो परिमेय संख्या है, पहली लाइन आपने लिख दी, दूसरी लाइन में आपको लिखना है जो संख्या दी हुई है, जैसे इस बंदे ने लिखी आप थोड़ा सा गलत हो गया, तो जो क्वेश्चन में दी है उसको यहाँ पर लिखना है, उसके बराबर में आपको 1/b लगाना है, उसके बाद में आपको सिंपल से नीचे की लाइन में लिख देना है कि ये संख्या परिमेय होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये करनी दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि करनी वाली एक भी संख्या जो परिमेय नहीं होती, लेकिन यह गलत है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या, मतलब आपने परिमेय संख्या उसे प्रूव किया, आपने उसे लिखा भी और लास्ट में आप बता रहे हो कि यह अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझा तो वीडियो को पॉज करके वापस देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, आपको 3 चीज़ें याद रखनी है बस। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड ही है और इसके लिए कोई भी ट्रिक जो है नहीं है, आपको इसमें जो है 1+b के क्यूब वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा और फार्मूले से आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है, आप अगर इस पर इंटरनेट पर इस पर ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, 3 क्वेश्चन पहले चैप्टर से आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये आपके लिए वरदान साबित हो गए। बढ़ते चैप्टर 2 की ओर, चैप्टर 2 है आपका बहुपद। ठीक है दोस्तों, बहुपद वाला चैप्टर है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि शून्य ज्ञात कीजिए, ये जो आपको समीकरण दिया हुआ है इसके शून्य ज्ञात कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के एग्जाम में आपके लिए पूछा ही जा सकता है कि भाई शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों शून्य ज्ञात करने में देखिए, अब हम तो आपको इतने जल्दी तैयारी नहीं करा सकते और ये आप भी जानते हैं कि इतने जल्दी आप भी तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस रट लीजिए कि देखिए ये जो पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पर शून्य का आने वाला है 1/2। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कंडीशन से याद रखिए कि भाई जो यहाँ ये वाली जो संख्या है उसको हम आधा कर देंगे तो आएगा 2s और ये जो प्लस है कि इसको हम माइनस में बदल देंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं इतने जल्दी तो तैयारी नहीं हो सकती और आप कितना भी कोशिश करें। ठीक है, तो बस आपको 1-2 क्वेश्चन है जिसके डायरेक्ट आंसर याद कर लेना है। ठीक है, तो इसके जो है शून्य को का योग आएगा -4/4 और गुणनफल आएगा 1/4। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में इतना याद रखने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना है कि भाई 1/2, जब आप 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो आपको शून्य को का योग मिलेगा,
और जब आप 1/2 और 1/2 का गुणनफल करेंगे तो आपको शून्य को का गुणनफल मिलेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, आप जो इसे याद कर लीजिए, इसका आंसर है 1/2। ठीक है, इसका शून्य है 1/2। उसके बाद में देखिए, इसी चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भाग देना। ठीक है, बहुपद से बहुपद का भाग देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक आपको कहा गया है कि बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो दोस्तों जब हम 9th में थे या फिर 8th में थे तो हमें जो है संख्या से संख्या का भाग देना आता था, लेकिन अभी यहाँ पर समीकरण पूछा गया है और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी भी मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये है आपका जिससे आपको भाग देना है, इस कंडीशन को, पूरे कंडीशन को। ठीक है, तो आप बिल्कुल भाग का डायग्राम बना लेंगे जिससे आपको भाग देना है, यानी ये वाला, यहाँ पर आपका बीच में कॉमा रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए यहाँ पर जो है कॉमा दिया हुआ है, मतलब ये संख्या है जिसका हमें भाग देना है इसमें। ठीक है, तो इस संख्या को लिख देंगे, भाग का हम ब्रैकेट बनाएंगे और बीच में संख्या को लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तुलना करनी है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है टी स्क्वेयर और यहाँ पर क्या दिया है 2t4। ठीक है, तो आपको देखना है कि बीच में किस चीज़ की कमी है, जैसे यहाँ पर दिया है टी स्क्वेयर और यहाँ पर दिया 2t4, मतलब यहाँ पर है 2 की कमी, तो आप भागफल में 2 लिख देंगे। फिर आपको यहाँ पर टी दिया है, ठीक है, टी स्क्वेयर है और यहाँ पर t4 है, मतलब 2t2 स्क्वेयर की कमी आ रही है, तो यहाँ पर आएगा आपका टी स्क्वेयर। उसके बाद में जो भी ये संख्या है उसका आपको इसमें गुणा कर देना है, पूरे समीकरण में जो भी आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 2t स्क्वेयर का गुणा किया तो 4t4 आया, और फिर उसके बाद में 2 का 3 में किया, 3 दूनी 6, 6t स्क्वेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मेथड होता है भाग देने का। ठीक है, तो वीडियो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल बताऊंगा तो काफ़ी बड़ा लग जाएगा, तो आप जो है इंटरनेट पे इस पर सर्च कर लीजिए और आसानी से जो इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए। मेरा काम है आपको IMP बताना, ठीक है, और थोड़ा सा इसे सॉल्व करा कर दे देना। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि यदि बहुपद आपको दिया हुआ है ये और इसके शून्यक जो है ये दिए हुए हैं आपको, तो ए और बी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। देखिए यहाँ पर आपको ये है आपको मान लेना ए, ये दूसरा आपको मान लेना बी, ये मान लेना आपको सी, और इसे आपको सॉरी इसे सी नहीं मानना है, इसे ए बी और सी, इसके ट्रिक देखिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो शून्य आपको दिए हुए ए माइनस बी, ए ए प्लस बी, इनको आपको जोड़ना है। सबसे पहले कंडीशन में देखिए यहाँ पर इसे बंदे ने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में आप सभी को पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में क्या आता है, माइनस बी बाय ए आता है, और अल्फ़ा इंटू गामा इंटू बीटा में क्या आता है दोस्तों, आपका सी बटा ए आता है। ठीक है, तो माइनस बी हमारा क्या है, हमने माना है -3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3। ए मन क्या है x2, इसके आगे वाली संख्या हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या आगे है? इसके 1 है, तो यहाँ पर 1 = 3। ठीक है, तो 3 कैसे आया, क्योंकि -3 से माइनस कट गया और यहाँ पर -3/1, तो ये 3 आया। ठीक है, और बाकी ये ए 1, 2, 3 है, तो ये बन जाएगा आपका 3 है, और ये माइनस और ये प्लस से आपका ये कट जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, बस आप इसके आंसर से याद कर लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, इंटरनेट पे आप सर्च कर लीजिए, आपको जो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। आगे आपका चैप्टर 3 से आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसे आपको बिल्कुल एज इट इज़ याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपका चैप्टर 4 आपको दिया हुआ है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी मैट्रिक भी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए A1 B1 C1। ठीक है, कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि ये रेखा जो प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती है, और नीचे आपको इसके क्वेश्चन के ये भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए पहला जो आपको समीकरण दिया हुआ है इसको फिट करना है ऊपर वाले में, और ये जो आपको दूसरा समीकरण दिया है इसको फिट करना है नीचे वाले में। जैसे देखिए, जैसे 5 यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो मैं एक की जगह रखूँगा 5, यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो बी में रखूँ B1 में रखूँगा 4, यहाँ पर दिया 8, तो C1 में रखूँगा मैं 8। उसी प्रकार से 7 दिया है तो यहाँ पर मैं रखूँगा 7, फिर यहाँ पर 6 दिया है 6 रखूँगा, 9 दिया है तो यहाँ पर रखूँगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसने रख दिए बिल्कुल जैसा मैंने कहा। उसी प्रकार से आपको बस तीसरे जो कंडीशन आएगी, जैसे पहला आपने कर लिया, ठीक है, फिर आपको तीसरे में क्या करना है, आपको लिखना है कि भाई A1 क्या बराबर है B1/B2 के, तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है, 7 है 6 है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या ये जो है इसके बराबर है, तो 1 भी बराबर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए क्या आप ये थोड़ा सा मिट गया है, प्लस B1/B2 और ये C1/C2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः एक बिंदु पर रेखा प्रतिच्छेद करती है। आपको पता होगा कि अगर ये A1 B1 के बराबर आता है तो रेखा समपाती होती है, और जाने दीजिए अब क्या बताओ वो भी यहाँ पर। ठीक है, तो बस आपको इतना जान लेना है कि भाई जब A1 A1/A2 के बराबर आता है तो रेखा समपाती होती है, और जब B1/B2 के बराबर आता है तो रेखा जो है समांतर होती है, और जब एक दूसरे के बराबर नहीं आता तो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है,
और ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, बस आपको इनपुट क्वेश्चन में जो बताना है, ठीक है। अगला दोस्तों प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि जो है आपको बिल्कुल करके ही जाना है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जो आपके समीकरण दिए हुए होते हैं, दोनों समीकरण, दोनों में से हम कोई भी एक समीकरण उठाते हैं, उसमें से एक्स का मान निकालते हैं, उसको पहले समीकरण में रखते हैं, और पहले समीकरण के रखने के बाद में वापस उससे मान निकाला जाता है, और उसको फिर जो हमने यह जो समीकरण निकाला उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ऐसे देख लीजिएगा प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद में विलोपन विधि, दोस्त दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट विधियाँ हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक और क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको आता है, इसी प्रकार के अलटने पलटने वाला। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दो संख्याओं का योग 9 है, और इस संख्या का 2 गुना हमको पलटनी बनी, 2 गुना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा भाषा आपको इसकी डिफिकल्ट आएगी, लेकिन आपको एक चीज़ जो है इसमें याद रखनी है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि दो दो अंकों का योग 9 है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसे 2 अंक है जिनको अगर हम जोड़ दें तो उसका योग आएगा 9, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर है 1/8, मतलब 1 और 8 इसके आंसर है, जिसको जोड़ के 9 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का थोड़ा पर फार्मूला याद करके चल जाते हैं, इसके करने की टेक्निक थोड़ा पर गलत भी लिखते हैं, लेकिन अगर आप लास्ट में इसका सही आंसर लिख देते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई एग्जामिनर जो आपको पूरे पूरे मार्क्स देगा, क्योंकि आंसर पर ही पूरा डिपेंड होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसे याद करके जाइए, इसके क्वेश्चन मैंने जो दिया है उसके थोड़े पर आंसर तो याद करके ही जाइए आप, ठीक है। उसके बाद में देखिए चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, ठीक है। तो दोस्तों जो चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, उसमें सबसे पहले मैं आपको इसके द्विघात विधि से जो इसे हल करना है, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिएगा थोड़ा सा, मैं आपको IMP क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चैप्टर में केवल यही मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को निकालना, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है। तो चैप्टर 4 तक आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके जो आगे के चैप्टर्स के आपको लेकर आ जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसकी PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जुड़े रहिए MP सॉल्यूशन चैनल के साथ में, जिसमें हम आपको इसी प्रकार के और वीडियो जो आपके सामने लेकर आते रहें।